हेलो दोस्तों, पापा ने ना मुझे ना जादू वाली छड़ी दिलाई है। मैंने सोचा कि चीतों भी गायब कर सकती हूँ। मेरे लुद्दू भैया तो कहूँ जादू मंत्र, जादू मंत्र गायब हो जा। ये गाना सभी खूबसूरत लड़कियों के लिए। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी। हेलो दोस्तों, आज एक नया दिन है। अभी ना रात के 7 बज रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी बिल्डिंग ना आज जगमगा रही है। तो आज हमारे पड़ोसियों की बेटी की शादी है, तो आज है मेहंदी, इसीलिए मैं पहनूंगी मेहंदी कलर की साड़ी। दीवार सी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मेरे पति देव तो उनकी माया अपरंपार है, वो तो 2 मिनट में तैयार होते हैं। तो चले चलो, नहीं तो हम लोग सबसे लेट पहुंचेंगे गोलगप्पे खाने। पहले आइसक्रीम ही आइसक्रीम बची रही। रुद्रांश को ना नींद आ गई थी, जैसे गोलगप्पे का नाम सुना ऐसे उठा ना, लेकिन गोली की तरह बाहर आया। रुदु, गोलगप्पे ज्यादा नहीं खाने, ठीक है? गोलगप्पे ज्यादा ही पसंद है ना। पापा, मैं गोलगप्पे खा सकता हूँ? अभी नहीं। दुई। अभी नहीं। दुच्चू, मेरा भैया ना सो गया था और ना जैसे मम्मा ने ना गोलगप्पे बोला ना, वो ना जैसे ही उड़ गया गोली मार के। गोली मार के दूध भैया थाली पे चाचा खाएंगे। गोलगप्पे हाँ, और पाव भाजी हाँ, पिज्जा हाँ, और बर्गर। दूध भैया एचएम भी तो बोलो। नहीं, मेरे को खांसी हुई है। अरे और भी तो बहुत। अरे आज चोर ना चुके चुपड़ी लगा लेंगे भैया, चुपते चुपते खा लेंगे। चल 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 चल। लुदु भैया मैं भी तैयार हो गई और आप भी तैयार हो गए और मम्मी पापा तैयार भी नहीं हुए। मम्मी तो होने वाली है, लेकिन पापा के अंदर पता नहीं कौन सा कीड़ा है। पापा, आपके अंदर कौन सा कीड़ा है? अरे टोपी पहनो ना पापा, सब लोग गंदे देख लेंगे। आ तो शादी पे ना चुपते चुपते ना आइसक्रीम खाएंगे। तूने खाएगा, तुझे तो जुकाम है ना। खिलौने मन सकल दिखाओ जी, हरी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मारे चले वो न पंगा जी मैं कह लगी, मारे हिबड़ मचा के तो। ये बाल किसने बनाया आपके? पापा, मम्मी ने। अच्छे नहीं बने देवांशी। पापा ना रोना। क्या ना रोना बाद पापा की कर दो ना। कर दिया ना देखो। अरे कैसे करें? दोस्तों हम सब तैयार हो चुके हैं और देवांशी इसीलिए रो रही है क्योंकि इसको पहननी है फ्रॉक, वो बड़ी सी फ्रॉक। फिर वहां पर शादी में फिर कुछ खाएगी, सारी फ्रॉक खराब हो जाएगी। फ्रॉक नहीं पहननी मुझे। क्या पहनना फिर? अच्छा बहुत पहनना। मतलब इसको करना। तो अपने भाई पे इतना गुस्सा क्यों आता है तुझे? तुझे अच्छा नहीं लगता भाई? दोस्तों हम सब तैयार हो चुके हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं बच्चे। मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, देखो नई टी शर्ट है, नई ट्राउजर है, नए जूते हैं, देखो ऐसे दिखाओ ना ऐसे। अपुन का यही है दोस्तों, सिंपल। तो चलो चलते हैं शादी में, सीधा आपको वहीं मिलते हैं। Hey kid, don't ever let them get it. दोस्तों अभी दुल्हन की ना फोटो शूटिंग हुई है, वो भी गई।
अरे रे मेरे लिए भी तो था। ये गाना सभी खूबसूरत लड़कियों के लिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दीदी जी, दूल्हा कहाँ है? मुझे दूल्हा दिख नहीं रहा है। दूल्हा रोहिणी पे है। जब भी मैं देवांशी और उद्धू को शादियों में या पार्टीज में अपनी प्लेट्स में बहुत तरीके से खाना रखते हुए देखता हूँ ना, और खाना खाते हुए देखता हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। छोटे बच्चों को अभी से ये समझ है कि मुझे पार्टीज में कैसे खाना है और घर पे कैसे खाना है। ये देख करके दोस्तों मेरा दिल ना खुशी से, मतलब क्या बताऊं, प्राउड फील करता है। और कुछ लोग हमें ना लगातार पिछले 2 साल से कमेंट करते हैं कि आपके बच्चे घर पे बहुत बदतमीजी से खाना खाते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट करते रहिए, मुझे अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जैसे श्री कृष्ण भगवान जी अपने बचपन में माखन मुंह पे लगा लगा के खाते थे ना, और नटखट हरकतें करते थे, वैसे ही मेरे बच्चे भी नटखट हैं, फनी हैं, घर पे शैतानी करते हैं, ज्यादातर सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। सो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, मस्त। ये पानी का गिलास किसका है पता नहीं चल रहा है। दोस्तों ये रही प्यारी सी दुल्हन, तो दुल्हन को ना हमारे पूरे परिवार की तरफ से शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारी YouTube फैमिली की तरफ से भी थैंक यू सो मच, वेलकम। और दूल्हा, दूल्हा तो कल आएगा ना दोस्तों, सीधा रोहिणी से, तो इंतजार नहीं हो रहा है। चलो हमारे पड़ोसी है तो हम दोस्तों घर पे मिल जाएंगे ना। चलो दोस्तों शादी के बाद हम डायरेक्ट रामलीला देखने के लिए आ गए, और हमको यहाँ पर मिले हैं ढेर सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, तो इनसे मिलकर के हमें बहुत अच्छा लगा। हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों रामलीला देख के हमें बहुत मजा आया, हमने बहुत इंजॉय करा, और छोटे बच्चों के साथ ना हमने बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करी। तो जैसे हम लोग रामलीला से बाहर आए, वहाँ पे ना हमने बच्चों के लिए खिलौने लिए जो हम लोग बचपन में खरीदते थे, तो अपना बचपन भी याद आ गया हमको। हेलो दोस्तों, पापा ने ना मुझे ना चादरी वाली साड़ी दिलाई है, मैंने इच्छा किसी तो भी गायब कर सकती हूँ, मेरे लुद्दू भैया तो करो जादू मंत्र जादू। अभी नहीं सुना था अरे अभी नहीं सुना तो मैंने नहीं करा जादू मंत्र छू, ये देखो गायब हो गया, जादू मंत्र गायब हो गया।
ये देखो है ना, कमाल है ना मेरा जादू मंत्र। जादू मंत्र शू लुदू भैया वापस आ जा, लुदू भैया वापस आ जा, लुदू भैया वापस आ जा। ये देखो, हेलो दोस्तों, मेरा लुदू भैया भी गायब हो गया और मेरी छड़ी भी गायब हो गई। और ना लुदू भैया हम तो पैर अंदर कर, अरे दिख रहे भी अभी, चल लुदू भैया पैर छुपा। पहले देखो ओए बैग है। चल अंदर कर। हेलो दोस्तों, मेरा लुदू भैया भी गायब हो गया और मेरी छड़ी भी गायब हो गई। दोस्तों आप लोग देख सकते हो बाहर उजाला हो रखा है क्योंकि कल रात को हम ब्लॉग एंड करना भूल गए थे, तो चलो अभी कर देते हैं। सो आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना ख्याल रखना, हमारे ब्लॉग को लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे। हाँ दोपहर में सो जाओ, ये देखो दोपहर हो रखी है दोस्तों, तो अभी जागने का टाइम है। हाँ।